कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा ताज नगरी पहुंची। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश स्तर तक के नेता मौजूद रहे। बता दें, ये यात्रा राजेश्वर मंदिर से शुरू होकर आगरा होते हुए मथुरा में समाप्त होगी। कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा ताज नगरी आगरा पहुंची। वही प्रतिज्ञा यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेता मौजूद रहे। आपको बता दें, प्रतिज्ञा यात्रा आगरा के राजेश्वर मंदिर से शुरू हुई। वही राजेश्वर मंदिर पहुंचकर कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा में स्टार प्रचारक वीरेंद्र सिंह ने भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर प्रतिज्ञा यात्रा को शुरू किया। उन्होंने प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा यात्रा के बारे में बताते हुए कहा कि अन्य सरकारों की अपेक्षा कांग्रेस की सरकार में जनता को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे इस प्रतिज्ञा यात्रा में महिलाओं के लिए खास सुविधा करने का निर्णय लिया गया है, और जो बेटियां पढ़ना लिखना चाहती हैं उनके लिए स्मार्टफोन और स्कूटी की व्यवस्था की भी प्रतिज्ञा ली गई, और जो किसान एक साल से धरने पर बैठे हैं उनका कर्जा माफ, और आगरा में बिजली की समस्या से जनता को निजात दिलाने की इस दौरान बात की गई। बता दें, यात्रा आगरा से चलकर मथुरा में समाप्त होगी। जी, प्रतिज्ञा यात्रा के लिए जो प्रियंका गांधी और जो कांग्रेस की आवाज है वो बनकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश जो जनता दुखी है, चाहे वो दलित है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, उन सब की आवाज़ बन के हम पूरे घर घर तक पहुंचेंगे। और उनके जो वादे नहीं है, जो प्रतिज्ञा ली गई है कि भैया वादे तो कहते हैं अक्सर टूट जाते हैं, जो प्रतिज्ञा ली है कि भैया हम हर घर रोज़गार देंगे, 20 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, उसके बाद 40% जो महिलाओं को सीट दी गई है वो काबिल तारीफ है, और भी कोरोना काल में जिनकी नौकरी चली गई, जो काम धंधा नहीं है, जो 25,000 उनके घरों में दिए जाएंगे। तो ये कोई कहते जुमला नहीं है, सिर्फ कहते कि एक कांग्रेस की सोच, अगर प्रियंका गांधी सीएम बनती है तो ये वादे पूरे होंगे। लेकिन सर, आज की यात्रा में प्रियंका गांधी जी का आगरा आगमन था, लेकिन उनकी बात चल रही थी आगरा आएंगे, लेकिन वो इस समय आगरा में, अभी वो गोरखपुर उनकी रैली चल रही है, आप सबको मालूम होगा।